15 अगस्त तक देश भर में हर घर तिरंगा अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान के तहत लोगों को अपने घरों दफ्तरों में तिरंगा फहराने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। इस क्रम में पोहरी थाना पुलिस प्रशासन ने बाइक रैली निकाली। रैली पोहरी थाने से शुरू होकर नगर के मुख्य बाजार में भ्रमण करते हुए वापस पोहरी थाने पहुंचकर समाप्त हुई। इस यात्रा के दौरान थाना प्रभारी रविशंकर कौशल ने कहा कि तिरंगा हमारी आन बान शान का प्रतीक है, हम सबको सदैव इसका सम्मान करना चाहिए। हर घर तिरंगा फहराया जाए जिससे लोगों के अंदर देश प्रेम की भावना जागृत हो, साथ ही आपसी भाईचारा कायम रहे। बाइक रैली यात्रा में थाना रविशंकर कौशल सहित था यात्रा में बाइकों पर पुलिस और ग्रामीण जन भी शामिल रहे। पौरी से धर्मेंद्र शर्मा की रिपोर्ट। सर, पूरे प्रदेश में तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है, इसी तारतम्य में आज पोहरी थाना परिसर के पुलिस बल के द्वारा भी तिरंगा यात्रा निकाली गई, आप भी शामिल हुए, क्या कुछ संदेश है सर आपका? ये तिरंगा यात्रा संपूर्ण भारत वर्ष में इसका अभियान चल रहा है और हमारे वरिष्ठ अधिकारियों की मंशा है कि हम भी इस यात्रा में अधिक से अधिक भाग लेकर लोगों को जागरूक करें। और यही मंशा है कि अपना जो आने वाला जो त्यौहार है, जो सबसे बड़ा त्यौहार है, जो 15 अगस्त का, हम सभी भारतवर्षवासियों के लिए, तो इसमें एक अच्छा संदेश जाए, लोगों के मन में एक देश के प्रति भावना जागृत हो और एक एकता की भावना जागरूक हो, यही उद्देश्य है। सभी मिल के साथ में काम करें, यही मंशा है।